जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली ज़रा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। चलिए ठीक है। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हैरियत से हैं? रोजे शोजे ठीक जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा, आप लोगों को आइडिया होगा कि क्लास की जो ड्यूरेशन है रमज़ान में वो 55 मिनट्स की है, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे जैसे कोई ज्वाइन करता जाएगा वो लेक्चर में शामिल होता जाए ताकि हमारा लेक्चर जो है ना टाइम पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हम आज अपना प्रॉपरली पहला लेक्चर शुरू करने लगे हैं तरह टू का, और जो लेक्चर है हमारा वो है पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। हमने आज जो चीज़ें पढ़नी है उसमें हमारा नर्व का स्ट्रक्चर है, कॉमन साइट्स हैं इंजरी की, नर्व इंजरी रिकवरी से रिलेटेड, उसकी क्लासिफिकेशन, और फिर हम उसकी मैकेनिज्म ऑफ रिकवरी को देखेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी होपफुली जो कि आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो हमारी वो एक तरह से रिविजन हो जाएगी, हम उसको जल्दी जल्दी गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, जो नर्व स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, आपको पता है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम को भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है, एक हमारा सेंट्रल पार्ट है और एक हमारा पेरिफेरल पार्ट है। जो सेंट्रल है उसमें हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है और हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और फिर वहाँ से जो इमर्जिंग हमारी नर्व्स हैं वो हमारे पेरिफेरल सिस्टम में आ जाती है। अब पेरिफेरल अगर हम कंपोनेंट की बात करें ना, तो इसमें हमारे पास अगर हम सिर्फ और सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स की अगर बात करें, क्योंकि उसमें वैसे तो उसमें मोटर न्यूरॉन्स भी हैं, उसमें हमारे पास सेंसरी भी हैं, उसमें हमारे पास सिम्पैथेटिक जो सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर हम सिर्फ मोटर की बात करें तो मोटर में भी हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। याद होगी ये चीज़ आप लोगों को कि जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स है ये आपके मसल्स के जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स हैं ये उनको स्ट्रांगली इनर्वेट करते हैं, और गामा मोटर न्यूरॉन्स आपके मसल्स के इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स को इनर्वेट करते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट्स आपके मोटर न्यूरॉन के, इनके एग्जॉन्स जिनके थ्रू इम्पल्सिस ने ट्रांसमिट होना है, सारी की सारी ट्रांसपोर्ट आपकी होनी है, और वो मसल्स स्केलेटल मसल्स जिनको इन्होंने इनर्वेट करना है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनती हैं आपके पेरिफेरल नर्व कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, ये उसके कॉम्पोनेंट्स हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, लाइक जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपकी नर्व्स की जो शीट्स है, एंडोन्यूरियम है, अंदर से अगर हम बात करें बिल्कुल इनर मोस्ट एंडोन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, और आउटर मोस्ट हमारे पास एपिन्यूरियम आ जाती है। देन एग्जॉन की भी एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं एग्जोलेमा। ठीक है, जो उसकी सरफेस मेम्ब्रेन है एग्जॉन की, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं आपकी एक नर्व का स्ट्रक्चर बना रही है। अगर पिक्चर में हम देखें तो ये उसकी जो है वो प्रॉपर डिवीजन है स्पाइनल कॉर्ड से। आपको पता है कि आपकी जो है वो रूट्स जो है वो निकलती हैं। ठीक है, रूट्स निकलती हैं और फिर फर्दर डिवाइड होते 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 जो एक नर्व बनती है, अगर हम उसकी बात करें तो ये एक नर्व है, इसकी आउटर लेयर है हमारे पास एपिनियम। ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, बंडल्स बने हुए होते हैं। बंडल्स किसकी वजह से बनते हैं? पेरिन्यूरियम की वजह से बनेंगे, अनदर लेयर। ठीक है, मिडल लेयर जो आती है दैट इज पेरिन्यूरियम। पेरिन्यूरियम के अंदर अगेन आपके पास क्या है, छोटे बंडल्स होते हैं, फेसिकल्स होते हैं नर्व फाइबर्स के। जो बंडल्स किस तरह बनते हैं, एंडोन्यूरियम इनर मोस्ट लेयर एंडोन्यूरियम ने छोटे छोटे जो नर्व फाइबर्स हैं उसको मिला के बंडल बनाया हुआ है, फेसिकल बनाया हुआ है, और उसको जो है वो आगे उसको हमने क्या किया, जो उसकी कवरिंग है उसको हमने एंडोन्यूरियम का। अब एंडोन्यूरियम के अंदर जो नर्व फाइबर्स हैं वो बेसिकली नर्व फाइबर्स कौन से हैं, वो हैं एक्सॉन्स, जो हमने कहा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका ये फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट। अब एक्सॉन के ऊपर भी कुछ कवरिंग है, एक तो उसके एक्सॉन की एक्सोलेमा तो है ही, इसके अलावा कुछ एग्जॉन्स ऐसे हैं न्यूरॉन्स जिसके अंदर श्वान सेल्स होते हैं, जो श्वान सेल्स होंगे वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो एग्जॉन्स हैं या वो जो नर्व्स हैं, सॉरी न्यूरॉन्स हैं, वो माइलिनेटेड होंगे। जिनमें श्वान सेल्स नहीं होंगे वो न्यूरॉन्स क्या होंगे, अनमाइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड होंगे। ठीक, अच्छा
ये कंटेंट्स जिसके मैं बात करी थी, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स ने आपके एक्सट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनर्वेट करना है, गामा मोटर न्यूरॉन्स ने आपके इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को इनर्वेट करना है। इसके अलावा भी एक नर्व के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि सेंसरी पार्ट भी होगा और सिंपैथेटिक पार्ट भी होगा। अब सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। एफरेंट, होपफुली ये चीज़ याद होगी कि एफरेंट हम उसको कहते हैं जो न्यूरॉन्स आपके मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एफरेंट, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिस्पॉन्स वापस आता है आपके इफेक्टर ऑर्गन की तरफ, यानी कि जो मसल्स हैं या जो भी आपका एरिया है, जो इफेक्टर ऑर्गन है, वहाँ तक आने वाला जो मैसेज है वो ईफ्रंट के थ्रू आता है, ई फॉर ईफ्रंट, ठीक है। ये एफ्रंट और ईफ्रंट का फर्क याद होगा आपको। इसके अलावा सिंपथेटिक न्यूरॉन्स भी होंगे। अब सिंपथेटिक न्यूरॉन्स अगर मैं आपको पीछे ये दिखाऊं स्लाइड में, तो ये जो हमारे पास सिंपथेटिक ट्रंक गैंग्लियॉन है, यहाँ पे आपके सिंपथेटिक जो न्यूरॉन्स हैं उनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट हैं, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का है। यानी कि यहाँ पे जो आपके स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनको इनर्वेट करना या ना करना, या उनको मैसेज भेजना या उनसे जो है वो उनकी तरफ सिग्नल लेके आना, विसरस हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सबको कंट्रोल किसने करना है? आपके सिंपथेटिक न्यूरॉन्स। एक नर्व जो है वो आपकी पेरिफेरल नर्व, वो कॉम्बिनेशन है मोटर भी, सेंसरी भी और सिंपथेटिक। अच्छा, अब ये जो हमारा सिस्टम है सीएनएस का, ये कॉन्टिन्यूस ट्रैक है, ठीक है। शुरू से लेके एंड तक जो है ये पूरा नेटवर्क जो है वो फैला है। अब दरमियान में हमारे पास जॉइंट्स भी आते हैं। जॉइंट एक ऐसी चीज है जिसने अपनी एंगल चेंज करना होता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब एंगल चेंज होगा तो वहां पे मूवमेंट हो रही है। अब एक चीज एक जॉइंट के ऊपर से अगर गुजर रही है, तो जब जॉइंट मूव करेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर भी तो कोई ना कोई चेंज आएगा, उसको भी मूव करना पड़ेगा। अगर वो अपनी जगह पे रिजिड होगा, फिक्स होगा, तो वो आपको हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा उस मूवमेंट के अंदर। लेकिन नर्व्स हमारी हिंड्रेंस प्रोड्यूस नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? क्योंकि नर्व्स के अंदर थोड़ी बहुत मोबिलिटी प्रेजेंट होती है। अब वो मोबिलिटी किस तरह से होती है? मोबिलिटी ग्लाइडिंग की फॉर्म में होगी। नर्व जो है ना वो ग्लाइड करती हैं, यानी कि ट्रांसलेट करती हैं, जो भी सरफेस जिसके ऊपर भी वो प्रेजेंट है वो उसके ऊपर क्या करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं विद मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स। किस तरह से? अगर तो जॉइंट मूव कर रहा है और नर्व की जो मूवमेंट है वो जॉइंट की डायरेक्शन के अंदर है, जब उसके ऊपर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, जब मसल, जब देखो आपका एक जॉइंट मूव करता है, तो आप अपनी स्किन को अगर गौर करो, सिंपल एक फिंगर के जॉइंट को ले लो, तो उसकी जो स्किन है उसको आप जब जॉइंट मूव करोगे तो आपकी स्किन के अंदर आपको महसूस होगा कि स्किन टाइट हो रही है, ठीक है, स्ट्रेच हो रही है और उसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है। सेम इज द केस जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं जॉइंट के ऊपर, वो भी इसी तरह से क्या होंगे, जॉइंट की मूवमेंट की वजह से उनके अंदर टेंशन आएगी, उनके अंदर वो स्ट्रेटन अप होंगे, उनमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब आपकी नर्व के ऊपर टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, तो जॉइंट की डायरेक्शन में अगर आपकी नर्व मूव करती है, ग्लाइड करती है, तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस, ठीक है। और जब टेंशन जो है वो रिलीव हो रही है और नर्व ग्लाइड कर रही है अवे फ्रॉम द मूविंग जॉइंट, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। ये आपकी नर्व की बेसिकली क्या है, ये मूवमेंट्स को या इसकी मोबिलिटी को जो है वो शो किया हुआ है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अब अरेंजमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपकी इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व रूट्स हैं, फ्लेक्सेस हैं, ये सारी क्या करती हैं, आपको अलाउ करती हैं मोबिलिटी, ठीक है। अब नर्व जो है ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस जो इलास्टिक इन नेचर नहीं है, मतलब कि अगर आप उसको खींच के लंबा करो तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी लेंथ से जो है वो इंक्रीज कर जाए, रबर की तरह या स्प्रिंग की तरह। ये एक्ट करता है लाइक अ रोप, रस्सी की तरह से। आप देखो कि रस्सी के अंदर स्लैक होता है, लेकिन जब आप उसको खींचते हो तो आपको महसूस होता है कि ये इसमें ना टाइट हो गई है, रस्सी टाइट हो गई है, इसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस हो गई है। बट एक ऐसी पोजीशन आती है कि आपकी जो रोप है वो अपनी लेंथ से इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी नहीं है। सेम इज द केस विद नर्व। नर्व जो है वो आपकी इलास्टिक इन नेचर नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ी बहुत स्लैक है, तो वो टाइटन अप हो जाती हैं और ग्लाइड करती हैं, बट ये स्ट्रेच नहीं करती,
एक खास हद तक करेंगे, उसके बाद जब इनके ऊपर स्ट्रेचिंग आती है तो उसमें इंजर हो जाते हैं। रीजन इसकी ये भी है कि आपका जो नर्व है उसके बाहर कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारा है, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, फेशिया है और बहुत सारा कुछ आ जाता है। तो नर्व तक वो जो स्ट्रेचिंग की फोर्स है वो पहुंचते पहुंचते पहले जरूरी है कि बाहर का जितना कनेक्टिव टिश्यू है वो भी क्या करे, स्ट्रेचअप हो। और वो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या करता है, आपकी जो टेंसाइल फोर्सेज हैं, स्ट्रेच की जो फोर्सेज हैं, टेंशन की फोर्सेज हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है पहले, इससे पहले कि वो नर्व तक इटसेल्फ पहुंचे। ठीक है, और फिर एट द एंड जो आपके पास टेंसाइल फोर्सेस नर्व तक पहुंचती हैं वो उसको थोड़ा बहुत क्या करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, थोड़ा बहुत उसमें क्या करती हैं, टाइटन अप करती हैं, टेंशन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ओवर स्ट्रेच उसको नहीं होने देती। बट स्टिल देर इज अ चांस कि आपकी जो नर्व है वो इंजर हो सकती है। ठीक है, और वो थ्रू आउट जो इसका कोर्स है, जहाँ से ये नर्व रूट स्टार्ट हो रही हैं और जहाँ पे जाकर ये टर्मिनेट हो रही हैं, ऑल ओवर द कोर्स इसमें चांसेस हैं कि ये इंजर हो सकते। ठीक है, कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे इनकी ये जो रिस्क है या ये ससेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, कि वहाँ पे रिस्क है, चांसेस ज़्यादा हैं कि वहाँ पे इंजरी ज़्यादा ईजिली हो जाती है। ठीक, अब या तो इंजरी टेंशन की होगी यानी ओवर स्ट्रेचिंग की इंजरी होगी, या नर्व कंप्रेस करती है। दो ही तरह की इंजरीज हो सकती है नर्व के ऊपर, या ओवर स्ट्रेचिंग या फिर कंप्रेशन। किस तरह के साइन और सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को, ये डिपेंड करता है कि उस नर्व के अंदर जो कॉम्पोनेंट इंजर हुआ है वो कौन सा, क्योंकि उसमें मोटर भी था, सेंसरी भी था, सिम्पथेटिक भी था। अब जो आपका कॉम्पोनेंट इंजर होगा उस तरह के सिम्टम्स पेशेंट को आएंगे। सेंसरी हो सकता है, आपकी सेंसेशन वहाँ पे लॉस हो रही है। ठीक है, मोटर का मतलब ये है कि आपका जो मोटर फंक्शन है उस पर्टिकुलर मसल का वो लॉस हो रहा है, आपसे वो मूवमेंट नहीं प्रोड्यूस हो रही है। सिंपथेटिक चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, वहाँ के ब्लड वेसल्स के अंदर प्रॉब्लम, वहाँ के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो साइन एंड सिम्टम डिपेंड करता है कि आपके पेरिफेरल नर्व का कौन सा कॉम्पोनेंट इंजर हुआ। ठीक है, अच्छा, अब अभी हमने नर्व रूट की बात की कि जहाँ से नर्व रूट से स्टार्ट होती है और फिर टर्मिनेट करती है उसके फैक्टर ऑर्गन तक। तो नर्व रूट्स क्या हैं, कि नर्व रूट्स बेसिकली जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो यहाँ से नर्व्स इमर्ज हो रही हैं और वो फौरन फिर आपके वो जो फोरमिनाज आते हैं वर्टेब्रल कॉलम के, वहाँ से ये बाहर निकलती हैं, वो आपकी क्या है, नर्व रूट्स। अब नर्व रूट्स जो हैं वो इंजर होने के चांसेस इसमें हैं, किस वजह से, बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं आपकी स्पाइन की जो कि आपकी नर्व रूट को डैमेज कर सकती हैं, इम्पिंज कर सकती हैं। उसमें डीजनरेटिव डिस्क डिजीज, मतलब डिस्क अगर आपकी डीजनरेटिव हो गई है, उसकी शक्ल जो है वो खराब हो गई है। सेम इज आपके जॉइंट्स में डीजनरेशन हो गई है, ऑस्टियोफाइट्स बने हुए, वो आपको इम्पिंज कर सकते हैं ना, वो आपको इरिटेट कर सकते हैं, वो आपके सिम्टम्स जो है ना वो राइज कर सकते हैं। वहाँ पे डिस्क लीजन है, जैसे हर्निएटेड डिस्क है, हर्निएशन हुई हुई है, तो वो जिस पॉइंट पे जाके उसको टच करेगा डिस्क का पार्ट, वहाँ पे आपके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, कंप्रेशन के सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है, वो स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस क्या था, कि जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है या ये वर्टिब्रा है उसके पार्स इंटर आर्टिकुलरिस अगर बाइलैटरली फ्रैक्चर कर जाते हैं तो आपका जो वर्टिब्रा है वो नीचे वाले वर्टिब्रा के ऊपर स्लिप कर जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये L4, L5S1 के अंदर ज़्यादा कॉमन है कि आपके जो वर्टिब्रा है उसकी फॉरवर्ड स्लिपिंग हो जाती है। जब वर्टिब्रा फॉरवर्ड स्लिप करेगा तो उसके साथ जो फोरमिनाज से निकलने वाली नर्व रूट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो टेंशन प्रोड्यूस होगी, उनके ऊपर स्ट्रेचिंग की फोर्स आएगी। स्ट्रेच होगा तो आपकी नर्व को वहाँ पे इंजर होने के चांसेस हैं, क्योंकि नर्व एक खास हद तक स्ट्रेच होती है, उसके बाद उसकी अगर स्ट्रेचिंग की फोर्स उसके ऊपर रहे वो इंजर हो जाए। अब ये जो नर्व्स हैं या ये जो नर्व रूट्स हैं ना, उनको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो क्वाड्रेंट्स में या दो क्वार्टर्स में डिवाइड कर दिया, अपर क्वार्टर या लोअर क्वार्टर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो अपर है वो C5 से T1 जो नर्व रूट्स हैं उनको हम कहते हैं, और जो लोअर क्वाड्रेंट है उसको हम L1 to L3 कहते हैं। इनको चेक करने का तरीका क्या होता है, इसको हम कहते हैं मायोटोम्स। ये जो नर्व रूट्स है ना, इनको चेक करने का तरीका ये है कि हम मायोटोम्स को चेक करते हैं, और वो ये कि वो पर्टिकुलर नर्व रूट जिस मसल को इनर्वेट कर रही है, जहाँ तक जा रही है, जिस मसल को उसने इनर्वेट करना है, हम उसकी मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और उससे हम आइडिया लेते हैं कि ये नर्व रूट जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है या नहीं, इंजर्ड है या ठीक है। राइट, अब ये जो
है ना आपके मायोटोम्स, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, या आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अपर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें C1 और C2 नर्व रूट को चेक करने के लिए हम सर्वाइकल की फ्लेक्शन जो है वो यूज करके देखते हैं। अब देखना खास के ना, एक पैटर्न बनेगा आपका, हम ऊपर से लेके ना नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे नर्व रूट्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही हैं, हम उसी तरह से हमारी मूवमेंट्स भी क्या है वो नीचे जा रही हैं, क्योंकि उनकी इनर्वेशन जो है ना वो वैसे वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। C3 के लिए हम क्या करते हैं, सर्वाइकल साइड, ठीक है, इधर वे साइड वे। C4 है स्कैपुलर एलिवेशन, C5 है शोल्डर एबडक्शन, C6 है एल्बो फ्लेक्शन विद रिस्ट एक्सटेंशन, ठीक। फिर C7 आ जाती है एल्बो एक्सटेंशन विद रिस्ट फ्लेक्शन, C8 है हमारे पास थंब एक्सटेंशन, और T1 है फिंगर एब्डक्शन। ये पूरा का पूरा एक पैटर्न आपको जो है ना वो फॉलो होता हुआ नजर आया होगा। इसी तरह से हमारे पास लोअर बॉडी, L1 और 2 है हमारे पास हिप की फ्लेक्शन, L3 है नी एक्सटेंशन, L4 है एंकल डॉर्सी फ्लेक्शन, L5 है बिग टो एक्सटेंशन, S1 आ जाता है हमारे पास एंकल इवर्जन और प्लांटर, ठीक। देन हमारे पास उसके साथ हमारे पास हिप एक्सटेंशन भी है। S2 है हमारे पास नी फ्लेक्शन, और S3 जो है ना इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये फुट के जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं ये उनको सप्लाई करती है, तो उसका हमारे पास कोई एज सच क्या है टेस्ट नहीं है जिससे हम उसको कंफर्म कर सकें। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, ये फिंगर टिप्स होनी चाहिए कि लाइक अगर आपसे कभी भी कोई पूछा जाए कि जो C5 क्या है मायोटोम बताएं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो शोल्डर एबडक्शन है, L3 क्या है नी एक्सटेंशन है। ये चीजें आपने क्या करनी है, मेमोराइज करनी है, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की। ये थोड़ी सी एनाटॉमी रिलेटेड चीजें हैं कि ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है, आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम फोरामिना द नर्व फाइबर डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेमाई, और जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस है वो C5 से T1 तक की जो नर्व रूट्स हैं इनकी इंटीरियर जो प्राइमरी डिविजन्स हैं उनकी थ्रू बनता है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से है कि ये C5 से T1 तक रूट्स हैं, वो डिवाइड होकर ट्रंक बनाती हैं, फिर उसकी डिविजन्स बनती हैं, फिर वो कॉर्ड्स में चेंज होती हैं, कॉर्ड्स डिवाइड होकर फिर फर्दर इंडिविजुअल जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं उनमें डिवाइड हो जाती है। ये आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, अब बटलर जो है उसने सजेस्ट किया है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ना इसका ये वेव वेवी काइंड जो है ना वो पैटर्न है, वेव पैटर्न। वेव पैटर्न क्या होता है, ये टेक्सटाइल किस्म का जो है ना, ये एक पैटर्न है टेक्सटाइल का, आप समझ लो कि क्रिस क्रॉस। अगर आप गौर करो कि ये जो हमारे कपड़े हैं इनमें ये जो थ्रेड है धागा है ना, इसका पैटर्न एक खास तरह का होता है। अगर आप पिक्चर लेके ना उसको जूम करके देखो, तो आपको गौर करोगे उसमें कि जो आपका थ्रेड है उसकी पैटर्न कुछ इस तरह से होता है, एक धागा उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, फिर दोबारा उसके ऊपर क्रिस क्रॉस करके ना आपका ये पैटर्न बना होता है, जिससे आपका ये टेक्सटाइल और ये जो फाइबर है ये कपड़ा है ये डेवलप होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस भी ना उसमें जो नर्व्स की कंडीशन है उसमें जो पैटर्न है ना वो कुछ इसी तरह का ही है, क्रिस क्रॉस। इसका फायदा बड़ा है, फायदा ये है कि जब आपकी एक पेरिफेरल नर्व के ऊपर अगर टेंशन अप्लाई हो रही है ना, लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये क्रिस क्रॉस पैटर्न की वजह से वो जो लोड है मैकेनिकल लोड वो ऑल ओवर द जितनी नर्व्स है उन सब के ऊपर जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब उसका फायदा ये है कि वो जो टेंशन है वो किसी एक नर्व के ऊपर नहीं रहेगी, उसमें इंजरी के चांसेस जो है ना वो कम हो जाएंगे, वो सारी की सारी उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, तो सब इक्वल जो है ना उसके ऊपर लोड आएगा और वो डिस्ट्रीब्यूट होके उसका इफेक्ट कम हो जाएगा इंजरी कॉज कर, ठीक है। तो ये इसका जो पैटर्न है उसका फायदा है, बट स्टिल देर आर चांसेस कि आपकी ये जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की नर्व्स है वो इंजर हो सकती हैं, और उसमें तीन प्राइमरी साइट हैं जहाँ पे ये इंजर होने के चांसेस हैं। सबसे पहला है इंटरस्कैलेनी ट्राइंगल, जो कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये आपका एरिया है इंटरस्कैलेनी ट्राइंगल, ये जो डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है, बॉर्डर्ड बाय स्कैलेनस इंटीरियर एंड मीडियस मसल, और साथ में आपकी फर्स्ट रिब, ठीक है। ये तीन तरफ से ये बॉर्डर बन रहा है और ये उसके दरमियान से पास कर रही है। अब इनमें से ये जो मसल्स हैं
अगर ये आपके स्पैज्मोटिक है या इसमें किसी किस्म का कोई चेंज आता है, ये एरिया ट्रायंगल का यहाँ पे अगर कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एरिया कम होने की वजह से आपकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आएगा और यहाँ पे आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाए, ठीक है। सेकेंड इज पोस्टो क्लेविकुलर स्पेस, ऊपर क्लाविकल है और नीचे आपकी क्या है, फर्स्ट रिब है। अब इन दो के दरमियान में जो स्पेस अगर कम होगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। समटाइम्स क्लेविकल का फ्रैक्चर जो है वो हो जाता है, वो हील नहीं हुआ प्रॉपरली तो जगह उससे रिड्यूस हो गई, रिड्यूस होगी तो वहाँ पे आपकी इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड हमारे पास जो आ जाती है, दैट इज एक्सिलरी इंटरवल, जो कि आपका कहाँ बनता है, बिटवीन इंटीरियर डेल्टो पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस माइनर मसल है और पूरा कोई प्रोसेस है। ये एरिया, ये जो एक्सिला का एरिया बनता है, यहाँ पे भी अगर आपकी किसी किस्म की कंप्रेशन आएगा, एरिया रिड्यूस करेगा, तो आपके सिम्टम्स जो है ना यहाँ पे रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल एनोमली सच एज सर्वाइकल रिब है, सर्वाइकल रिब का भी प्रेजेंट होना आपकी एरिया जो है उसको रिड्यूस कर देता है। मैल यूनियन ऑफ क्लेविकुलर फ्रैक्चर जैसा भी मैंने जिक्र किया, मे कंप्रेस और इंट्रैप अ पोर्शन ऑफ फ्लेक्स। अब जो पोर्शन आपका नर्व का कंप्रेस हो रहा है उससे आगे डिस्टल जितना एरिया है वो आपका सिम्टोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उससे आगे जो है ना वो नर्व की सप्लाई या इनरवेरिया है डिस्टर्ब हो रही होती है। अब प्लेक्सिस जो कि C5 ब्रेकियल प्लेक्सिस था, C5 से लेके T1 तक जा रहा है, इसको भी हमने फर्दर तीन में डिवाइड कर दिया टू डिफ्रेंशिएट इंजरीज कि किस एरिया की इंजरी हो रही है। अपर प्लेक्सिस को हमने C5 और C6 की जो इंजरीज है ना उसको हमने कहा कि अपर प्लेक्सिस की इंजरीज है, और ये सबसे कॉमन इंजरीज हैं जिसका नाम आपने सुना होगा, अर्ब्स पैरालिसिस भी आपने उसमें सुना होगा, ये कॉमन है। कब होता है, अगर आपका शोल्डर जो है एक साइड का, लेट से हम लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं, अगर आपका लेफ्ट साइड का शोल्डर डिप्रेस्ड फॉर्म में है और आपकी नेक की जो है वो साइड फ्लेक्शन ऑपोजिट हो रही है लेफ्ट से, यानी कि राइट साइड पे अगर आपकी साइड फ्लेक्शन हो रही है और आपका लेफ्ट शोल्डर जो है वो डिप्रेस है, तो आप गौर करो कि जो आपकी लेफ्ट साइड है नेक की वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रेचिंग में आएगी, ओवर स्ट्रेच हो रही होगी। अब उस वजह से यहाँ से जो गुजरने वाली आपकी रूट्स हैं C5 और C6 उसमें ओवर स्ट्रेचिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंडीशन कुछ इस तरह की राइज होती है जिसको हम अर्ब्स पैरालिसिस भी कहते हैं, पुलिसमैन टिप्स या वेटर टिप्स पोजीशन भी हम कहते हैं। इसमें पोजीशन इस तरह की होती है, शोल्डर आपका बिल्कुल एडक्टेड होता है, इंटरनली रोटेटेड होता है, एल्बोज आपकी जो है ना वो उस साइड की एल्बो ये आपकी एक्सटेंडेड होती है और जो रिस्ट है ये फ्लेक्शन के अंदर होती है फिंगर्स के साथ। ये मतलब ये पोजीशन वो बनती है कि वो जैसे वो रिश्वत नहीं लेनी होती है, अच्छा जी हाथ पीछे किया हुआ चुपचाप, बस आपने जो टिप रखनी है ना वो बस यहाँ पे रखने और तो वो उससे रेफरेंस जो है ना वो बनाया हुआ है कि ये अर्ब्स पैरालिसिस ना इस तरह की कंडीशन बनती है। ये उस केस के अंदर भी होगा कि लाइक अगर आपकी कोई फॉल की इंजरी है और फॉल भी इस तरह का है कि आप गर्दन के बल गए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि गर्दन आपकी एक तरफ को बेंड हुई हुई है, साइड फ्लेक्स्ड हुई हुई है और शोल्डर के ऊपर जो है वो डिप्रेशन आ रही है, तो ये एरिया आपका क्या है, ओवर स्ट्रेच हो रहा है। अब जब ओवर स्ट्रेच होगा तो यहाँ पे आपके C5 और C6 जो नर्व रूट्स हैं उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कंप्रेशन। अब वो कंप्रेशन आएगा तो वो आपकी डिफॉर्मिटी कुछ इस तरह की डिफॉर्मिटी बना देता है कि ये आपकी पोजीशन बन जाता है, ठीक है। मस्कुलर इम्बैलेंस जो है आ जाता है क्योंकि मोटर कंट्रोल यहाँ पे खत्म। मिडिल प्लेक्सस इंजरीज जो है ना वो इस तरह की है, C7 की अगर हम बात करें तो C7 इस तरह का है कि ये बिल्कुल अगर हम कहें कि इंडिविजुअली C7 की इंजरी बहुत रेयर होती है कि सिर्फ C7 इंजर हो रही है, हाँ C7 जो है वो अपर प्लेक्सिस और जो लोअर प्लेक्सिस इंजरीज हैं उनके साथ कंबाइन करके हमें ज़रूर मिलता है, ठीक है। लेकिन अलग से बिल्कुल अकेला C7 इंजरी हो रही है ये बहुत रेयर जाता है। लोअर प्लेक्सिस इंजरीज में C8 और T1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, यूजुअली ड्यू टू कंप्रेशन बाय अ सर्वाइकल रिब और स्ट्रेचिंग द आर्म ओवर है, ये उस केसेस के अंदर होगी कि अगर आपकी सर्वाइकल रिब प्रेजेंट है या आपकी स्ट्रेचिंग जो है वो ओवरहेड या आर्म की ओवरहेड जो है वो स्ट्रेचिंग और बहुत ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है,
उस केस के अंदर आपकी C8 और D1 जो है ना वो कुछ इंजर हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी या उसमें स्ट्रेचिंग आ जाएगी, तो उस केस के अंदर आपकी ये जो हैंड के ऊपर जो है ना वो कुछ इस किस्म की डिफॉर्मिटी बनती है जिसको हम कहते हैं क्लम्प कीज डिफॉर्मिटी, ठीक है? इसका नाम है क्लम्प कीज डिफॉर्मिटी। और ये आपकी ये उस केस के अंदर भी है कि लाइक इंजरी कुछ इस तरह की हुई है कि आपको जो है वो हैंगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ गई है एबनॉर्मली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो उस केस में भी आपकी जो ओवरहेड जो है ना वो स्ट्रेचिंग होने की वजह से C8 और D1 क्या है इंजर हो सकता है। तो ये थी आपकी प्लेक्सिस की इंजरीज, ठीक है, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ था 3 के अंदर। अब इंजरी अगर हुई है और उसकी रिकवरी की अगर हम बात करें, इंजरी पहले अभी हमने डिस्कस किया कि एक नर्व के अंदर तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, मोटर भी, सेंसरी भी, सिंपथेटिक भी। तो ये रिजल्ट जो मतलब इंजरी है ये इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी कंपोनेंट कौन सा डिस्टर्ब हुआ है, किस कंपोनेंट की इंजरी हुई है। पेन में भी अ सिम्टम ऑफ नर्व टेंशन और कंप्रेशन। पेन तो वैसे ही एक ऐसा सिम्टम है जिस किसी भी चीज में अगर हम बात करें तो पेन का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ है, ठीक है? पेन अगर हमें ना हो तो हमें अपने इंटरनल इंजरी की खबर भी ना हो, हम उसी तरह से काम शाम करते रहें, हमें पता भी ना हो कि अंदर क्या चल रहा है। पेन होती है तो हम उस चीज़ को यूज करना छोड़ते हैं, उसको हीलिंग का टाइम मिलता है और वो प्रॉपरली रिकवर करते हैं। तो पेन तो जो है ना वो एक सिम्टम ऐसा है, वो नर्व कंप्रेशन के केस में भी हो सकता है और वो नर्व टेंशन के केस में भी, यानी ओवर स्ट्रेचिंग के केस में भी पेन होगी, कंप्रेशन के केस में भी पेन होगी। मैकेनिज्म क्या है, यानी कि किस किस्म की आपकी लोड्स हैं जो आपकी इंजरी कॉज कर सकते हैं। कंप्रेशन अभी हमने बात की, लेसरेशन, लेसरेशन कहते हैं कि अगर नर्व का बिल्कुल कट जाना, जैसे स्टैब वोन्स होते हैं, नाइफ स्टैब वोन्स हैं, आपकी नर्व बिल्कुल कट जाएगी, या आपको बुलेट इंजरी हुई है, वो बुलेट आपकी नर्व को जो है वो बिल्कुल काटते हुए गुजर गई है, कंप्लीट आपका वहाँ पे लॉस होना शुरू हो जाता है, या इन केस ऑफ, ये थोड़ा सा अनएथिकल एग्जांपल है लेकिन बताना ज़रूरी है, जैसे सुसाइड केसेस हैं, जब कुछ लोग अपनी क्या करते हैं जो रिस्ट है वहाँ से नर्व्स, जिसको कहते हैं ना नर्व्स काट लेना, ठीक है, वो जो रेडियल आर्टरी है उसको बेसिकली वो काट लेते हैं, लेकिन रेडियल आर्टरी के साथ यहाँ पे आपकी मीडियन नर्व भी पड़ी हुई है, ठीक। तो जब वो स्टैब वुंड होगा, जब वो नाइफ के साथ आप कट लगाते हैं, तो उसकी वजह से आर्टरी तो जो कटती है वो कटती है, साथ में लैसरेशन आपकी कहाँ पे आ जाती है, मीडियन नर्व के ऊपर भी आ जाती है। ये आपका केस है लैसरेशन का। ओवर स्ट्रेच हो रहा है, जैसे अर्ब्स पैरालिसिस की बात की, रेडिएशन है या इलेक्ट्रिसिटी है, शॉक्स वगैरह के केस, ये इस तरह की इंजरीज आपको हो सकती हैं। मैकेनिकल या जो बायो मैकेनिकल इंजरीज हैं वो किस तरह से आती हैं, वो फ्रिक्शन है, कंप्रेशन है या स्ट्रेच है। फ्रिक्शन क्या है कि जब आप, अभी हमने मोबिलिटी की बात की थी नर्व की, कि वो ट्रांसलेट करती है, ग्लाइड करती है ना, ट्रांसलेट करती है, तो ट्रांसलेशन फ्रिक्शन भी कॉज करेगा। अब फ्रिक्शन की वजह से वो जो उसका वो जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके अंदर इंजरी हो सकती है, डिस्ट्रप्शन वगैरह आ सकती है। कंप्रेशन हो सकती है, कंप्रेशन का एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपको ये बताऊं कि जैसे समटाइम्स आप लोगों ने एक्सपीरियंस, हर किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि समटाइम्स हमारी एल्बो जो है वो अचानक से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को लगती है और ओहो हो, बड़ा मज़े का जो है ना वो पेन निकलता है और वो ऑल द वे ट्रेवल करता है एल्बो से लेके आपके फिंगर्स तक जो है ना वो आपको करंट जो है ना वो लगता है, वो एकदम एक सेकेंड के लिए जो है ना वो मजा आ जाता है वैसे, ठीक है? वो बेसिकली क्या होता है कि वो आपकी जो अल्ना नर्व है एल्बो के लेवल पे आपकी अल्नर कैनाल से गुजर रही है। अब एक तरफ आपकी बोन है, ठीक है, अल्नर कैनाल में बोन है, दूसरी तरफ आपकी एल्बो हिट की किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, दो हार्ड ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में जब आपकी नर्व आएगी, वो जब कंप्रेस करेगी, तो उसमें क्या है कि वो आपकी शूटिंग पेन और वो जो करंट टाइप जो पेन है ना वो आपको फील होता है, वो बेसिकली आपकी क्या है, नर्व की कंप्रेशन होगी। अब नर्व, ये तो थोड़ी देर के लिए था ना, अगर नर्व की कंप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है तो वो आपकी नर्व को क्या करेगी, इंजर कर सकती है और वो समटाइम इरिवर्सिबल भी होता है, ठीक है? सेकेंडरी इंजरी के अंदर आपके ब्लड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि नर्व की इट्सेल्फ अपनी ब्लड सप्लाई भी है, अगर ब्लड सप्लाई की डिसकंटिन्यूशन होगी
तो नर्व सफर करेगी, या समथिंग जैसे है कि ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से आपकी परमेबिलिटी वेसल्स की बढ़ जाती है, तो उसमें से जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल आता है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर। अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जब वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, तो वो वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं एडिमा। अब एडिमा क्या करेगा कि या तो वो आपकी नर्व को कंप्रेस कर सकता है, या इटसेल्फ ब्लड वेसल को भी कंप्रेस कर सकता है। इन ईदर केस आपके कंप्रेशन के सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, या वो ब्लड वेसल की वजह से हो सकते हैं, या फिर डायरेक्टली नर्व की वजह से। कंप्रेसिव फोर्सेस कैन अफेक्ट द माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द नर्व, कॉजिंग वीनस कंजेशन एंड रिड्यूस टू सॉरी रिडक्शन ऑफ एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। अब वो जो था ना, जो ब्लड के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रहा है कि रिडक्शन हो रही है, उसकी वजह से एक्सोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट डिस्टर्ब होगी। वो क्या है, जो प्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट है वो आपके आइंस की मूवमेंट है, सोडियम पोटाशियम अंदर बाहर जो भी उसकी मूवमेंट होती है, डायरेक्शन होती है, ये सारी आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। ये ट्रांसपोर्ट, आइंस की ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या करती है, ये आपकी इम्पल्स की जनरेशन और उसकी ट्रांसपोर्ट है। जो आपकी इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, ये क्या है, ये आइंस की मूवमेंट है, ठीक है। अगर ये चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी, दैट मीन्स कि आपकी इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही, एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा। जब एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगी, ठीक। अब ये अगर कंप्रेशन ज़्यादा अरसे के लिए है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए है, तो वो आपकी नर्व को अल्टीमेटली क्या करेगा, डैमेज करेगा। थोड़े टाइम के लिए तो वो रिवर्सिबल होती हैं चेंजेस, लेकिन इररिवर्सिबल चेंजेस आती हैं तो फिर आपकी क्या है, नर्व डैमेज हो रही होती है। ये जैसे अभी मैंने आपको बात बताई कि जो वल्नरेबल साइट्स हैं वो टनल्स हैं, ब्रांचेस हैं नर्वस सिस्टम की, कुछ स्पेसिफिक टेंशन पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपकी जॉइंट्स एरियाज हैं जहाँ पे टेंशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे इंजरी चांसेस ज़्यादा है। ये एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट है सडन जो है वो ट्रॉमा है, जैसे आपके स्टैब वून्स हैं, ठीक है, लैसरेशंस हैं, ये आपके एक्यूट ट्रॉमा में आ जाएंगी। क्रॉनिक रेपिटेटिव ट्रॉमास हैं या इंट्रैपमेंट्स हैं, क्या इससे इससे जो है वो चीज़ें जो है वो डेवलप हुई हैं, बार बार इंजरी हुई है बार बार, और फिर आपकी जो है वो अल्टीमेटली इंजरी हुई है। अब नर्व की जो इंजरीज है ना, उसकी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक सडन क्लासिफिकेशन है और एक संडरलैंड क्लासिफिकेशन है। जो ज़्यादा कॉमनली चलती है वो आपकी सडन की है, उसकी तीन ग्रेड्स हैं, न्यूरोपरेक्सिया, एक्जोनोटोमेसिस और न्यूरोटोमेसिस, ठीक है। संडरलैंड जो है उसने तीन की बजाय पांच ग्रेड्स कर दी है, कि एक्जोनोटोमेसिस से न्यूरोनोटोमेसिस के दरम्यान में उसने दो ग्रेड्स जो है ना वो और डिफाइन कर दिए हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन उसने पांच ग्रेड्स कहा है, ये तीन ग्रेड्स कहा है। क्या है ये भला, न्यूरोपरेक्सिया या ग्रेड वन, वो उस केस में हम कहते हैं कि जिसमें आपकी कंडक्शन सिर्फ ब्लॉक हुई है, कोई इंजरी एज सच नहीं हुई, कॉन्टिन्यूशन है, सारा कुछ है, सिर्फ आपकी वो जो इम्पल्स है ना उसकी कंडक्शन की ब्लॉकेज हुई है, बाकी सारा कुछ ठीक। तो ये आपका ग्रेड वन है, ये आपका रिवर्सिबल इंजरी है। जैसे ही आपका वो कंप्रेशन रिलीव होगा, आपकी जो नर्व की कंडक्शन है वो वापस रिकवर हो जाएगी, ठीक। सेकेंड ग्रेड एक्सोनोटोमेसिस क्या आ जाता है, जहाँ पे आपकी एक्सोनल डिसकॉन्टिन्यूशन हो, ब्लॉकेज इस तरह की हुई है कि अब एग्जॉन की जो है ना वो डिसकॉन्टिन्यूशन हो गई है, और वहाँ पे अगर आपकी विलेनियर डीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स कि ये आपका क्या है, सेकेंड ग्रेड यहाँ से शुरू हो गया है। ऑल्दो कि ये ग्रेड भी आपका रिवर्सिबल है, कुछ टाइम के बाद आपकी रिकवरी इसमें पॉसिबल है। थर्ड ग्रेड के अंदर क्या आ जाता है, एग्जॉन की तो डिसकॉन्टिन्यूशन हो रही है, साथ में अगर आपकी वो जो एंडोन्यूरियम है, इंटरनल लेयर है बिल्कुल, वो अगर डिस्टर्ब हो रही है, उसकी डिसकॉन्टिन्यूशन भी अगर आ गई है, उसमें भी इंजरी आ गई है, ये आपका ग्रेड थ्री है। ग्रेड फोर में आपकी पेरिन्यूरियम भी जो है ना वो रप्चर हो जाती है एग्जॉन के साथ साथ, ठीक। अब यहाँ पे ये सेवेरिटी बढ़ती चली जा रही है। ये ग्रेड जिस तरह के हैं, अगर आप फोर ग्रेड की बात करें ना, तो इसमें आपकी रिकवरी जो है वो 100% रिकवरी
पॉसिबल नहीं है. ठीक, न्यूरोटमेसिस आ जाता है आपका फाइनल ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, जहाँ पे आपकी ऑल ओवर द जितनी भी आपके कनेक्टिव टिश्यू है वो सब के सब क्या है, डिसकॉन्टिन्यूशन आ रही है उसमें, लाइक लेसरेशन, जिसमें आपकी नर्व जो है ना वो बिल्कुल काट दी है, उसमें हर चीज आपकी जो है ना डिसकॉन्टिन्यू हो गई है. और ये ऐसी चीज है जो कि सर्जरी के बगैर जो है ना वो रिपेयर रिकवर नहीं हो सकती है. सर्जरी के बाद भी डिपेंड करता है कि सर्जरी करने वाले ने सर्जरी किस तरह की है, कितनी देर बाद की है इंजरी की, आपकी एज क्या है, मोटिवेशन, सारा कुछ ये डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी की स्पीड क्या हो. ठीक, ये जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि रिकवरी जो है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. जो एक्सटेंट है इंजरी का वो क्या है, कितनी इंजरी हुई है, आसपास का जितना सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू था वो कितना डिस्टर्ब हुआ है, नेचर एंड लेवल ऑफ इंजरी, ठीक है, किस लेवल पे इंजरी हुई है, किस तरह की है, एक्यूट है, क्रॉनिक है, टाइमिंग मैटर करती है, कितनी देर के बाद जो है वो आपने रिपेयर जो है वो शुरू किया है. कुछ केसेस इस तरह के आते हैं जो कि ना बहुत देर के बाद जो है ना उसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करते हैं, तो या रिपेयर भी जो है या जो सर्जरी भी है वो बहुत देर के बाद कराते हैं. उस टाइम ड्यूरेशन में जो है ना वो आप पेशेंट्स जो हैं वो अपनी रीजनरेशन या जो प्रोग्नोसिस है उसको बहुत हद तक जो है ना वो कम करते हैं. एज और मोटिवेशन पर्सन की बड़ी डिपेंड करती है, इसको डिटेल देख लेते हैं आगे. नेचर एंड लेवल ऑफ इंजरी जो है जितना डैमेज होगा इट मींस कि उतनी ही रिएक्शन जो है वो टिश्यू रिएक्शन हो रहा है और उतनी ही स्कारिंग हो रही है. नर्व के ऊपर जितनी स्कारिंग होती है उसकी रीजनरेशन जो है वो उतनी कम हो जाती है. ठीक है, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट्स हैं यानी कि जो प्रॉक्सिमल एरियाज हैं वहाँ पे अगर नर्व की इंजरी हो रही है ना तो उसमें क्योंकि वहाँ पे मोटर कंपोनेंट भी है, वहीं पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन भी है, वहीं पे सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी है, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रप्शन है अगर होती है तो उसके रिजल्ट में फाइबर्स की मिसमैचिंग जो है ना वो बड़ी कॉमन है. अगर हीलिंग खुद से हो रही है तो कौन सा फाइबर किस फाइबर के साथ जाके जो है वो हील कर गया है, मोटर सेंसरी के साथ कर गया, सेंसरी सिंपैथेटिक के साथ कर गया, तो काम तो नहीं चलेगा ना, वहां पे मिसमैचिंग ऑफ फाइबर्स हो जाएगी, तो वो आपकी रीजनरेशन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, रिड्यूस करेगा. और रीजनरेशन की अगर हम बात करें ना तो नर्व्स के अंदर रीजनरेशन बहुत कम होती है. जितने भी हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं अगर उनकी हम हीलिंग की अगर स्पीड को देखें तो नर्व्स की जो स्पीड है वो सबसे कम है. नर्व इंजर अगर हो जाए तो उसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है क्योंकि उसके जो रेट है रीजनरेशन का वो 1 inch per day है. मतलब कितना टाइम लग जाएगा आपको हील होते होते रीजनरेट करते. टाइमिंग एंड टेक्निक ऑफ रिपेयर जो कि मैं बात कर रही थी कि जो सर्जन है उसकी स्किल्स के ऊपर मैटर करता है कि वो किस तरह से आपकी जो है वो इंजरी जो हुई है नर्व को रिपेयर कैसे करेगा, उसकी सूचरिंग कैसे करेगा, उसकी कितनी स्किल्स हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद जो है वो आप इसकी रिपेयर कराना शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं. अदरवाइज आपकी रीजनरेशन जो है वो रिड्यूस होती चली जाएगी उसकी स्पीड. कुछ नर्व्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनका जो प्रोग्नोसिस है यानी कि जो रीजनरेटिव पोटेंशियल है उनके अंदर बड़ा अच्छा होता है. ठीक है, रेडियल नर्व है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व है, फेमरल नर्व है, ये अच्छी जो है वो प्रोग्नोसिस देती हैं. मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, टिबियल नर्व, ये हो तो जाती हैं रिपेयर यानी रीजनरेट कर जाती हैं लेकिन ये थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इनका मॉडरेट है पोटेंशियल. पेरोनियल नर्व एक ऐसी नर्व है जो कि इसका जो रीजनरेटिव पोटेंशियल है ना ये बहुत पुअर है. और मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि पेरोनियल नर्व वो उन नर्व्स में से है जिनमें इंजरी जो है ना वो कॉमन है. फुट ड्रॉप के केसेस अगर आप देख लो तो वो पेरोनियल नर्व की इंजरी की वजह से होते हैं और ये कॉमन है. समटाइम्स स्पोर्ट्स इंजरीज हो जाती हैं जो कि पेरोनियल नर्व को डैमेज कर देती हैं. समटाइम्स आपकी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है जैसे कि बाईपास है, ठीक है, हार्ट का जो सर्जरी है बाईपास, उसमें जब हमने ग्राफ्टिंग करनी होती है जो वेन लेनी है हमने वो हम सेफनेस जो वेन है वो लेते हैं, उसका पार्ट लेते हैं, तो
वो ग्राफ्ट लेते लेते जो आप इंसिजन देते हो समटाइम्स उसमें पेरोनियल नर्व इंजर कर जाती है, ठीक है। और एक दफा पेरोनियल नर्व अगर इंजर होती है तो फिर वो रीजनरेशन में अच्छा खासा टाइम लेता है। एज और मोटिवेशन ऑफ पेशेंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइम टेकिंग काम है। रीजनरेशन ऑफ नर्व जो है ना वो टाइम टेकिंग है, तो पेशेंट जो है ना वो अपनी मोटिवेशन जो है ना वो लूज कर देता है। अब मोटिवेशन लूज होगी तो जो री एजुकेशन है या जो रीट्रेनिंग है, एक्सरसाइज है, तो प्रॉपरली एग्जीक्यूट जब वो नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिले है ना वो बढ़ता चला जाएगा। एज भी मैटर करती है, जैसे ओल्ड एज में तो वैसे ही सारी चीज़ों की जो रीजनरेशन है, कैपेसिटी है, स्पीड है, वो प्रोड्यूस हो जाती है। यंग एज के अंदर फिर भी इसकी स्पीड थोड़ी सी बेहतर होती है। मैनेजमेंट अगर हमने कैसे करनी है, जो सिंपल अगर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हम सिर्फ जनरल गाइडलाइंस की बात करें, तो हमारे पास जो फेजेज हैं वो एक्यूट फेज है, रिकवरी फेज है या फिर क्रॉनिक फेज। एक्यूट फेज एक ऐसा फेज है जिसमें हमारा जो मेन कंसर्न है या जो हमारा फोकस होता है वो इस चीज़ के ऊपर है कि जो इंजरी हुई है ना उसको हमने हील करना है, और फर्दर जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उनको हमने प्रिवेंट करना। इंजरी बढ़े भी नहीं, हील भी करें और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करें। उस केस के अंदर जो मूवमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर आपकी सर्जरी हुई है तो हम ROM की तरफ जाते हैं, जो आपकी पैसिव ROMs हैं या आपकी जो एक्टिव हैं, डिपेंड करता है कि किस रीजन की हम बात करें, तो उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि हमारे जो जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो एडहीजन्स हैं और कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि वो अल्टीमेटली फिर चीज़ को जो आपकी असल प्रॉब्लम है उसको भी कॉम्प्लिकेट कर देंगे। स्प्लिंटिंग और ब्रेसिंग डिफॉर्मिटी से बचने के लिए, ठीक है, कि या जो समटाइम्स नर्व के ऊपर जो है ना वो ओवर जो है वो स्ट्रेच ना आ रहा हो तो हम ऐसी पोजीशंस के अंदर जो है वो उसको स्प्लिंट कर देते हैं या उसको ब्रेस जो है वो दे देते हैं ताकि जो डिफॉर्मिटी है कोई ना बने, ठीक है, और हीलिंग का जो है वो प्रॉपर टाइम मिल सके। पेशेंट की एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को आइडिया होगा कि पेशेंट एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता कि कौन सी मूवमेंट करनी है, उसके लिए तो सारी मूवमेंट्स एक जैसी हैं। ये आपको पता है कि कौन सी मूवमेंट फ़ायदा देगी, कौन सी मूवमेंट नुकसान दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस है हीलिंग के ऊपर और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है। तो पेशेंट को आपने एजुकेट लाजमी करना है कि कौन सी मूवमेंट्स आपने करनी है और कौन सी मूवमेंट्स को अवॉइड करना है ताकि हम मजीद कॉम्प्लिकेशन से जो है वो बच सके। रिकवरी फेज क्या है कि अब हीलिंग तो हो गई है, अब इसमें जो नर्व का काम था असल इंजरी से पहले हमने वो वापस लेके आना है, यानी नर्व को हमने रीट्रेन करना है, हमने उसको री एजुकेट करना है, हमने उसको वो सी चीज़ें सिखानी है जिसके लिए वो बनी थी, ठीक है। अब इसमें मोटर ट्रेनिंग आ जाती है। मोटर ट्रेनिंग क्या है कि आप मसल्स को होल्ड करते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मसल की कॉन्ट्रैक्शन से आपके जो ब्रेन के अंदर जो एक पैटर्न बना हुआ है मूवमेंट का वो री एजुकेशन हो रही होती है, वो मेमोराइज जो है हुआ वह है उसको दोबारा से आप उसको क्या कर रहे होते हो, रिकॉल करा रहे होते हो थ्रू मोटर ट्रेनिंग, मूवमेंट्स के थ्रू, होल्डिंग के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। डिसेंसिटाइजेशन, जब नर्व इंजर होती है और उसके बाद जब वो रिकवरी की तरफ जा रही होती है ना तो वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है, मतलब छोटे से छोटा जो आपका स्टिमुलस है ना वो भी उसके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसको उसकी वजह से स्टिमुलेट करती है और उसका रिस्पॉन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमें ना ज़रूरत होती है कि हमने उसको डिसेंसिटाइज करना है। डिसेंसिटाइज कैसे करते हैं कि हम उसको डिफरेंट स्टिमुलस से जो है ना वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइक वो किस तरह से करेंगे, जैसे अभी जहाँ पे आप लोग इस टाइम बैठे हुए क्लास ले रहे हो, आप अपने आसपास से चीज़ों को देखो तो हर चीज़ का टेक्सचर, उसकी सरफेस जो है ना वो डिफरेंट है। लाइक अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हो इस टाइम पे तो मोबाइल का टेक्सचर फ़र्क है, उसकी सरफेस की जो अगर आप उसके ऊपर टच करोगे तो आपको उसकी सरफेस एक खास उसकी
टेक्सचर आपको उसका फील होगा, ठीक है, सेंसेशन उसकी खास होगी. आपके पास पिलो हो सकता है पड़ा हुआ हो, ठीक है, पिलो को अगर आप हाथ लगा के देखो तो उसका टेक्सचर बिल्कुल फर्क है, ठीक है. बुक आपके पास कोई पड़ी हो सकती है, आपके हाथ में कोई पेन हो सकता है, पेन का टेक्सचर फर्क होगा, पेपर का टेक्सचर फर्क है. तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट को वो जो नर्व है उसको हम डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ, डिफरेंट सर्फेसेस, डिफरेंट फीलिंग्स जो है ना उनके साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि वो हर चीज को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करे. और अलग अलग जब वो डिफ्रेंशिएट करेगा तो एक स्टिमुलस को जो वो बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हुआ है उसको क्या हो जाएगा, वो डीसेंसिटाइज होगा, और बाकी सारे जो स्टिमुलसेस हैं उनसे भी क्या है इंट्रोड्यूस होके री एजुकेशन उसके अंदर डेवेलप होगी और वो चीजों को, डिफरेंट टेक्सचर्स को सेंस करना शुरू करेगा, ठीक. फिर हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव सेंसरी री एजुकेशन करते हैं. इसका क्या मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर जो आपका स्टिमुलस है उसको इंडिविजुअली किस तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट करना, किस तरह से उसको पहचानना, किस तरह से है कि ये फलां टेक्सचर है, ये चीज़ होगी. लाइक आप देखो, अगर मैं आंखें बंद करके भी अपना मोबाइल हाथ में पकड़ूंगी ना तो आई वुड नो कि ये मोबाइल है. मैं पेन पकड़ूंगी तो आई वुड नो कि ये पेन है, ठीक है. मेरे पास इस वक्त लैपटॉप का माउस पड़ा हुआ है, मैं माउस को हाथ में लूंगी तो मुझे पता होगा कि ये माउस है. कैसे पता है, ये उसका टेक्सचर जो मेरी नर्व्स ने सेंस किया और मेरे माइंड को बताया, और माइंड ने मुझे ये चीज जो है वो वापस भेजी कि ये माउस है, ये मोबाइल है, ये पेन है, उसके अलग अलग टेक्सचर, उसके अलग अलग फीलिंग की वजह से. तो ये सेंसरी री एजुकेशन करानी पड़ती है पेशेंट की, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना. वो उसके लिए हम विजुअल क्यूज भी देते हैं. पहले हम कैसे क्या करते हैं, पेशेंट को, पेशेंट देख रहा होता है वो चीज़, लाइक मोबाइल को मैं देखते हुए जो है वो पकड़ूंगी तो मुझे आइडिया होगा कि अच्छा मोबाइल की शक्ल ये है, इसका टेक्सचर जो है वो हाथ में इस तरह से फील होता है, ठीक. अब पहले आपने उसको एजुकेट किया विजुअल क्यूज के साथ, फिर आप क्या करते हैं विजुअल क्यूज के बगैर उसको री एजुकेट करते हैं. अब अगर मैं वो वाली बात आ गई ना कि अब आंखें बंद करके अगर मैं मोबाइल पकड़ूंगी तो आई वुड फील कि मुझे समझ आ जाएगी कि उसके टेक्सचर की वजह से, उसकी शेप की वजह से कि ये मोबाइल है, तो हम क्या करते हैं, ये सेंसरी री एजुकेशन के टेक्निक्स हैं कि आपने इंडिविजुअल जो स्टिमुलस है या इंडिविजुअल जो आपकी टेक्सचर्स हैं उनको आपने पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट कराना होता है एक टेक्सचर से दूसरे टेक्सचर, ठीक है, सेंसेशंस को डिफरेंशिएट कराना होगा. अगेन इसमें पेशेंट की एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है. इसमें ख्याल आपके ये रखने वाली चीज़ है कि आपने पेशेंट को कोई ऐसा टेक्सचर जो है वो नहीं देना, लाइक लेट्स से आपके हाथ के अंदर जो है ना वो सेंसेशंस का प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने पेशेंट के हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी जो कि उसको इंजर कर सके. कोई शार्प चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई पॉइंटी एज चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये ना हो कि आप उसको पिन पकड़ा दो, ये ना हो आप उसके हाथ में ब्लेड पकड़ा दो, ये ना हो कि आप उसको छुरी पकड़ा दो, वो तो इंजर कर देगा ना, उसकी तो सेंसेशन इस टाइम राइट नाउ ठीक नहीं है, तो उसको पेन का भी हो सकता है इतना एहसास ना हो. अगर पेन नहीं होगा उसको पता ही नहीं चलेगा, और अगर आपकी आंखें भी बंद है तो फिर तो वैसे ही बिड़ा करके ना. तो पेशेंट की एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपने पेशेंट को खुद भी ध्यान रखना है और पेशेंट को भी ये गाइड करना है कि आपने कोई ऐसी चीज पॉइंटी शार्प यूज नहीं करनी जिससे आपकी इंजरी के चांसेस. क्रॉनिक फेज वो फेज होता है जिसमें आपकी जो हीलिंग होनी थी वो हो चुकी है, जो री एजुकेशन होनी थी या जितना पोटेंशियल था उस नर्व के अंदर री इनर्वेट करने का, री जनरेट करने का, वो हो गया. मतलब जितनी लिमिट तक वो हो सकती थी हील वो हो गई है. उसके बाद अब फर्दर जो चीज़ रह गई है सो रह गई, वो डेफिसिट रह जाता, ठीक है. नर्व के अंदर कुछ ना कुछ रेजिडुअल डेफिसिट होता है. अब उस केस के अंदर अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, अब हम उस डेफिसिट को कवर नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारा फोकस क्या होगा कि हम उसको, पेशेंट को इस तरह से कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स जो है वो उसको बताएं कि जो उसकी नर्व की इनर्वेशन का डेफिसिट रह गया है उसने उसको कंपनसेट किस तरह करना है फर्दर फंक्शंस के थ्रू, ठीक है, कुछ
और चीज़ों के थ्रू, आपकी बाकी सेंसेस के थ्रू, आपकी बाकी मूवमेंट्स के थ्रू जो रिकवरी नहीं हुई है उसको आपने किस तरह से कंपनसेट करना है, ये आपका क्रॉनिक फेज है जिसमें आप पेशेंट को ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। और वो थ्रू आउट ऑब्वियसली फिर ये जो डेफिसिट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपने क्योंकि पेशेंट को फंक्शनल करना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स हैं वो भी फिर सिखाएं, ठीक हो गया जी। चले अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे हमने लेक्चर खत्म कर दिया है अपना, ये चीज़ें हमने आज जो है वो इसमें लेक्चर में देखी हैं। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप लोगों के कोई क्वेश्चन है माइंड में तो वो मुझे बता दें, मैं आपके मैसेजेस पढ़ लेती हूँ ताकि अगर उसको कोई क्वेश्चन आपने पूछा है तो वो मैं कन्वर्जन और डाइवर्जन में डिफरेंस क्या है बेटा। कन्वर्जन की चीज़ है कि जब आपकी मूवमेंट, ग्लाइडिंग जो मूवमेंट है वो आपकी जॉइंट की डायरेक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है, और टेंशन की वजह से हो रही है, दैट इज कन्वर्जन। जब आपकी टेंशन रिलीव कर रहा है और आपकी मूवमेंट अवे फ्रॉम द जॉइंट हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जन। जर्मीना, अच्छा जी चलें ठीक है बेटा देख लेंगे। लेसरेशन, लेसरेशन कहते हैं किसी चीज़ को काट देना। आप लोग लड़कियों ने तो फिर भी शायद इस चीज़ को शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, चिकन अगर अभी कभी आपने काटा हो तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक वाइटिश जो है ना वो कॉर्ड लाइक समटाइम्स जो है ना वो जो बोनलेस पार्ट होता है उसके अंदर वाइटिश कॉर्ड सी जो है ना वो आपको नज़र आ रही होती है, और उसको ना छुरी बड़ी तेज़ होनी चाहिए उसके लिए काटने के लिए, और उसको आपको ना रिपीटेडली उसको दो तीन दफ़ा जो है ना उसको वहाँ पे नाइफ को वहाँ पे मूव करना पड़ता है, देन जाके जो है ना वो कटती है। वो आपकी नर्व्स जो है वो फेशिया भी होता है वैसे, लेकिन उसमें कुछ समटाइम जो है ना वो नर्व भी होती है। नर्व जब आप काट देते हो ना किसी चीज़ को, काट देना दैट इज़ कॉल्ड लेसरेशन। जैसे कट लग जाता है, आप नाइफ से कोई चीज़ काट देते हो, कॉर्ड है उसको आप बिल्कुल काट दो दरम्यान में से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लेसरेशन। बेटा लेक्चर इम्पॉर्टेंट तो सारा ही होता है, नॉन इम्पॉर्टेंट तो इसमें कुछ भी नहीं होता। डिसकॉन्टिन्यूशन को रिपीट कर देती हूँ। डिसकॉन्टिन्यूशन का मतलब ये है कि आपके जो नर्व है, एग्जॉन है, उसका कनेक्शन आपकी सेल बॉडी से ख़त्म हो गया, साथ में उसका जो कनेक्टिव टिश्यू था वो भी डैमेज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूशन। ये चीज़ जब आएगी ये आपकी इंजरी कॉज करेगी नर्व की। वेव पैटर्न है क्रिस क्रॉस पैटर्न, ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न, और वो मैंने आपको बताया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो आपका कपड़ा बनता है फैब्रिक, इसकी ये क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है। एक धागे का जो थ्रेड है, एक थ्रेड के ऊपर दूसरा आता है, उसके बाद फिर वापस तीसरा, फिर चौथा, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्रिस क्रॉस, ठीक है, या इंटरट्वाइंड। आप अपनी फिंगर्स को जो है वो दोनों हाथ की फिंगर्स को अगर एक दूसरे के अंदर इंटरट्वाइंड करो, ये भी काइंड ऑफ क्रिस क्रॉस जो है, वैसे क्रिस क्रॉस इसको इतना तो नहीं कहेंगे बट आप ये समझ लो कि एक दूसरे के अंदर इंटरट्वाइंड होना, ठीक है। तो ये आपकी ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जो नर्व्स हैं उसका पैटर्न भी यही होता है। लिंक आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का और जो लेक्चर है वो भी मिल जाएगा, राइट नाउ ईमेल के ऊपर मैं कर दूंगी, जैसे ही आपका LMS जो है वो अपडेट होता है आप लोग फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग्स वगैरह ले लिया करें। बेटा लेक्चर में जो चीज़ें हैं ना वो मैं वही ऐड करती हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी चीज़ें हैं जो कि आपने बुक से पढ़नी होती हैं, तो लेक्चर के और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो एट द एंड एग्ज़ाम से पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे कि बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं, ठीक है, लेकिन राइट नाउ आप लोग सारा कुछ ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है।
अच्छा चलें ठीक है, हम ये शॉर्ट क्वेश्चंस और सिनेरियो टाइप है उसको भी हम डिस्कस कर लिया करेंगे, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। असेसमेंट प्लान बेटा जैसे ही आप लोगों का फाइनल होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो बाकी आपके सेक्शंस हैं उनका भी सेम ही होगा, तो जो बाकी टीचर्स हैं उनके साथ भी अभी जो है ना वो कोऑर्डिनेट करना है और वो अप्रूव करना है सर ने, डायरेक्टर साहब ने, तो वो जैसे ही होगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूँगी। चलें जी, होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इसको साथ के साथ बेटा पढ़ते रहिएगा, नहीं तो चीज़ें पाइल अप हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए। और इसको लेक्चर को अभी फ़िलहाल एंड करते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट में जो आप पूछ लीजिएगा। अटेंडेंस अभी मैं सारों की ही लगा रही हूँ क्योंकि एयर ड्रॉप चल रहा है, तो इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, तो जैसे ही एयर ड्रॉप ख़त्म होगा तो फिर हम बाकायदा जो है वो अटेंडेंस शुरू कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलें अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ बेटा।